हे एवरीवन, आज मैं अपने चैनल पर बनाने वाली हूँ कॉर्न फ्राइड राइस की रेसिपी। जिस कॉर्न फ्राइड राइस की रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो अक्सर मैं अपने घर पर लंच में बनाती हूँ, क्योंकि ये इजीली और झटपट बन जाती है बिना ज्यादा मेहनत के, और टेस्ट में लगती है बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। तो चलिए बनाते हैं कॉर्न फ्राइड राइस की रेसिपी और लाते हैं टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। तो सबसे पहले एक कढ़ाई गर्म कर ले और डाले 2 से 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो फ्लेम को मीडियम पर कर ले और इस पॉइंट पर डालेंगे 5 से 6 बारीक कटे हुए लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज के चॉप्ड किए हुए प्याज, और आधे से 1 मिनट के लिए इसे अच्छे से चला ले। आप इसमें चाहे तो स्प्रिंग अनियंस व्हाइट भी डाल सकते हैं। 1 मिनट हो गया है और लहसुन और प्याज की अच्छी सी स्मेल भी आ रही है, तो अब डालेंगे 1/2 कप चॉप्ड गाजर, 1/2 कप शिमला मिर्च और 1 कप उबले हुए मकई के दाने। इन सारी सब्जियों को हाई फ्लेम पर हमें स्टर फ्राई करना है लगभग 3 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पर सब्जियों को फ्राई करने से सब्जियां थोड़ी टेंडर हो जाती है और इसका क्रंच भी बना रहता है। अब चलिए ऐड करते हैं कुछ मसाले और सॉसेस। तो इसमें सबसे पहले डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून गोल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, और इसे 1/2 मिनट के लिए स्टर फ्राई कर लें। अगर आपके पास रेड चिली फ्लेक्स नहीं है तो सूखी हुई लाल मिर्च को ग्राइंडर में हल्का सा ग्राइंड कर लें और आपकी होममेड चिली फ्लेक्स बनकर तैयार है। या आप इसकी जगह 1/2 टेबलस्पून शेजवान सॉस भी डाल सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना पसंद है तो इन दोनों को आप स्किप कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 कप पके हुए बासमती चावल और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। याद रहे, जब भी आप फ्राइड राइस बनाएं तो चावल को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके ही इसका यूज करें। आप ये फ्राइड राइस बनाने के लिए जैस्मिन राइस या सोना मसूरी राइस का भी यूज कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट इसे चलाते हुए हो गए हैं और हमारी ये टेस्टी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल स्पाइसी कॉर्न फ्राइड राइस भी बनकर सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी ये कॉर्न फ्राइड राइस की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे इस तरीके से इसे एक बार ज़रूर बनाएं और कमेंट कर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू, टेक केयर।